बच्चों, कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन भूगोल के विषय पर जलवायु पार्ट 4 का अध्ययन किया अपन ने, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी अपन ने किए। आज बेटा उसके आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपन कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। तो इसका कारण है बेटा, दक्षिण और पश्चिम मानसून मतलब बंगाल की खाड़ी अत्यधिक मात्रा में वहां पर क्या होता है, उत्तर पूर्व की ओर मतलब जो हवाएं वो चलती हैं, इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाती हैं। जैसे जैसे पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे पश्चिम की ओर जो पश्चिम की ओर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे नमी कैसी हो जाती है, घट जाती है, और जिससे पश्चिम की ओर क्या होता है, वर्षा वहां पर वर्षा की मात्रा कैसी हो जाती है, घटती जाती है। फिर है भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीपों में तो क्यों होता है, वायु दाब में अंतर के कारण होता है। क्यों, जब वायु का दबाव कम होगा मतलब वायु दाब में अंतर के कारण होता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दशा मौसमी परिवर्तन लाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है। फिर भारत में अधिकतर वर्षा, जो भारत है वहां पर अधिक वर्षा कुछ ही महीने मतलब कुछ महीने होती है। तो कौन कौन से है बेटा वो, भारत में मतलब 25% जो होते हैं वहां पर केवल 4 महीने ही वर्षा होती है। भारत में केवल जैसे कौन कौन से महीने में, जून से सितंबर में क्या होता है, ये कौन सा काल होता है, वर्षा काल होता है। और यहाँ पर फिर इसके बाद वर्षा कैसी हो जाती है, बहुत धीमी और कम हो जाती है, और इस प्रकार वर्षा की अवधि कैसी होगी, मतलब कम होती जाएगी, और सामान्य रूप से वर्षा 100% मतलब जो वर्षा होती है यहाँ पर मुख्य रूप से अगस्त से जून के महीने में, मतलब अगस्त में वर्षा कैसी हो जाती है, तेजी से होती है, मतलब जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने वर्षा कैसी होती है। कुछ मतलब जहाँ पर बहुत अधिक मानसून के पहले सप्ताह से क्या होती है, यहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाता है भारत में, और जुलाई तक लगभग पूरे देश तक पहुंच जाता है मानसून। आप कहते हैं ना मानसून आने वाला है, मानसून तो मानसून अपने भारत में कब, भारत में तो आ जाता है बेटा, लेकिन वो राज्य मतलब जैसे कभी केरल में सबसे पहले मानसून आता है ना, इसी प्रकार से। फिर है बेटा तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किस कारण से होती है, वहां पर निम्न दबाव वाली मतलब जो निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होने के कारण तमिलनाडु में शीत ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। शीत ऋतु मतलब ठंड के मौसम में वहां वर्षा होती है। फिर इसके बाद है पूर्वी तट में डेल्टा वाले क्षेत्र, तो बंगाल की खाड़ी होती है, यहाँ पे परिवर्तन का केंद्र है, चक्रवात के क्या है यहाँ पर विकास का एक, पूर्वी तट में डेल्टा वाले क्षेत्र प्राय चक्रवात लाते हैं, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर जहां पर डेल्टा बनते हैं वहां पर प्राय क्या होता है, चक्रवात आते हैं। फिर है राजस्थान गुजरात में कुछ भाग में पश्चिमी घाट में वृष्टि छाया मतलब जो होती वृष्टि छाया सूखा प्रभावित होता है, तो मतलब जो राज्य है राजस्थान गुजरात यहाँ पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, तो कुछ पे अरावली वर्षा छाया क्षेत्र आते हैं, इसलिए यहाँ पर कैसा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र रहता है, यहाँ पर बारिश कैसी होती है, कम होती है। फिर है भारत की जलवायु अवस्था में क्षेत्रीय भिन्नताओं का उदाहरण सहित समझाइए, मतलब जो भारत की जलवायु है वहां पर किन परिस्थिति मतलब वहां पर भारत की जलवायु की परिस्थितियों में क्षेत्रीय भिन्नता होती है, मतलब हर क्षेत्र में मौसम थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा अलग अलग।
क्षेत्रीय भिन्नता, मतलब उसको अपन को क्षेत्रीय भिन्नता को क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। तो भारत की जलवायु की परिस्थिति कैसी होती है, क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। फिर यहाँ के तापमान और वर्षण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मौसम मतलब कैसा होता है, भिन्न होता है। फिर उसके बाद ये पहला कारण हो गया। फिर दूसरा है, गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल के कुछ स्थानों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगांव से तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। जम्मू कश्मीर में इसलिए क्योंकि हिमालय की वादियों के कारण वहां पर ठंडक रहती है, और ये जो गर्मी है राजस्थान कैसा है, मरुस्थल मरुभूमि है, इस कारण वहां पर तापमान, क्योंकि वहां पर रेत है जल्दी गर्म हो जाती है, इस कारण वहां का तापमान क्या रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। और कश्मीर में पहलगांव का कम, क्योंकि वो कैसा इलाका है, हिमालय की ओर मतलब हिमालय की वादियों से घिरा हुआ इलाका है, इसलिए वहां पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर उसके बाद है तीसरा, सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि त्रिवरुणपुरम है जो वहां पर क्या होता है, त्रिवरुणपुरम में लगभग 22 मतलब जो डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पर गर्मी रहती है, लेकिन आप सर्दी के मौसम में वहां का तापमान जम्मू कश्मीर का 45 हो जाता है। फिर है तीसरा, केरल या अंडमान निकोबार में रात का तापमान लगभग कैसा रहता है, समान ही रहता है, केरल के नजदीक ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर तीसरा इसके बाद है, सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में क्या होता है, अंतर कम होता है, और देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर हो सकता है। फिर है, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा समानता पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर उसके बाद है, देश के अधिकतर भागों में मतलब देश के जो अपने भारत देश के जो अधिकतर भाग है वहां पे जून से सितंबर तक क्या होती है, वर्षा होती है, और लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा कब होती है, अक्टूबर और नवंबर माह में होती है, अक्टूबर और नवंबर माह में कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु में होती है। तो भारत की जलवायु की अवस्था क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर आप अगर पूछा जाएगा तो जाइए तो आपको उसी टाइप से लिखेंगे, पॉइंट वाइज आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद है, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करो, मतलब मानसून जो अभिक्रिया है उसकी आपको व्याख्या करना है, तो उसके लिए आपको निम्नलिखित कारण मानसून अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो मानसून अभिक्रिया है, जो मानसून में अभिक्रियाएं होती हैं, मानसून अभिक्रिया क्या है, व्याख्या कीजिए। तो मानसून अभिक्रिया में स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने से विभेदी प्रतिक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग में निम्नलिखित दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद जो इसके बाद आसपास में समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है जिससे मानसून अभिक्रिया होती है। उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र प्रायः 5 डिग्री उत्तर से स्थित होता है और ग्रीष्म ऋतु के दिनों में उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र की स्थिति के मैदान की ओर क्या होता है, खिसक जाता है, और मानसून ऋतु में ये क्या करता है, मतलब इसको जाना जाया जाता है। फिर हिंद महासागर से पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति तीव्रता से भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार जो होता है बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र ऋतु में हिमालय के उत्तर
है वहां पर जेट धारा, भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंध जेट धाराओं का क्या करता है, प्रभाव होता है। फिर वायु की अवस्था में परिवर्तन से दक्षिण दोलन की ओर नाम से इसे क्या करते हैं, दक्षिणी दोलन के नाम से इसे क्या करते हैं, जाना जाता है। फिर डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो डार्विन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर वाहिनी प्रशांत महासागर के एक 49 पश्चिमी दाब के अंतर के कारण गणना मानसून में क्या होती है, तीव्रता से पूर्व अनुमान लगाया, मतलब इसके दबाव से इसमें क्या कर सकते हैं, इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। और अगर अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होता है कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून होगा, मतलब विलंब से मतलब देर से आने वाला मानसून होगा। मतलब इसकी गणना कैसे की जाती है, अगर प्रशांत महासागर 180 डिग्री और दक्षिण में 149 पश्चिम, जो 180 डिग्री और 149 पश्चिम के दाब की गणना के मानसून यहाँ, मतलब इसको अनुमान लगाया जाता है कि मतलब अगर इसमें मानसून की तीव्रता को पूर्व अनुमान कैसे लगाएंगे, अगर अगर दाब में अंतर ऋणात्मक हुआ तो इसका यहाँ पर औसतन वर्षा होगी और कम बाद था देर से आने वाला मानसून होगा। उसके बाद है शीत ऋतु की अवस्था में इसकी विशेषताएं बताइए, मतलब जो शीत ऋतु की अवस्था होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो शीत ऋतु मतलब ठंड का मौसम, शीत ऋतु की अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं हैं बेटा। तो पहला है उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक चलती है। आप देखिएगा ठंड का मौसम कब रहता है बेटा, कब शुरू होता है, मध्य नवंबर से कब तक चलता है, ये फरवरी तक चलता है। फिर भारत के उत्तर में दिसंबर एवं जनवरी में के महीने में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होती है, ठंड होती है, सबसे ठंडे महीने होते हैं। कौन कौन से, दिसंबर और जनवरी जो माह होता है वो सबसे ठंडा माह होता है। फिर तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, घट जाता है। और पूर्वी तट में चेन्नई में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और पश्चिम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदानों में 10 डिग्री तक इसका साथ, मतलब जो उत्तरी मैदान होते हैं उत्तर की तरफ जो मैदान होते हैं वहाँ का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जहाँ पर कैसे होते हैं शीत ऋतु में, दिन गर्म होते हैं और रातें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। अभी भी आप देखिएगा कि दिन में थोड़ा गर्मी लगती है और रात में अपन को ठंड लगती है। फिर उत्तर के तुषार समान होते हैं, हिमालय के ऊपरी ढलानों पर हिमपात भी होता है, तुषारपात मतलब बर्फ गिरना है ना, समानता हिमालय के ऊपरी ढलानों मतलब जो ढाल होते हैं वहां पर। फिर देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, इससे प्रभावित होती हैं। और चूंकि पवन स्थल में समुद्र की ओर बहती हैं इसलिए देश में अधिकतर भाग कैसा होता, अधिकतर भाग में कैसा मौसम रहता है, शुष्क मौसम रहता है। फिर सामान्यतः इस मौसम के आसपास तापमान आर्द्रता पवन स्थिरता में परिवर्तन होती है। फिर शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम उत्तर और चक्रवात मतलब जो चक्रवाती विमोक्ष भी इसमें अंतर प्रभाव के लक्षण है। फिर कम दाब वाली मतलब जो प्रणाली है वो कहाँ है, भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया की ओर उत्पन्न होने वाली पश्चिमी पवनों के साथ भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। इसी कारण शीत ऋतु में यहाँ पर मैदान में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिम वर्षा होती है। यदि शीतकाल में वर्षा कम होती है तो फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय तौर पर इस वर्षा को क्या कहते हैं, महावर्त कहा जाता है। फिर प्रायद्वीप भागों में समुद्री प्रभाव मतलब जो प्रायद्वीप भाग होते हैं उनके समुद्री प्रभाव के कारण भी शीत ऋतु को स्पष्ट नहीं होती। तो ये पढ़ा बेटा अपन ने शीत ऋतु की होने वाली मानसूनी वर्षा
इसकी विशेषताएं बताइए। मतलब जो भारत में मानसूनी वर्षा होती है इसकी क्या विशेषताएं है। तो पहला है, मानसून के समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच तक वर्षा होती है। इसके आगमन के समय मतलब इसका आगमन जब होता है इसके समय सामान्य वर्षा अचानक बरसती और कई दिनों तक जारी रहती है, और समानता जून के प्रथम सप्ताह में मानसून मतलब जो जून का प्रथम सप्ताह होता है यहाँ पर मानसून सप्ताह के रूप मतलब इसको मानसून सप्ताह प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण शोध क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। मैंने भी बताया था सबसे पहले केरल की तरफ मतलब जो मानसून आता है तो प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर में क्या करता है, प्रवेश करता है। बाद में दो भागों में बढ़ जाता है जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में, फिर देश भर में वर्षा का असमान वितरण होता है। फिर मानसूनी वर्षा के प्रभाव, तो मानसूनी वर्षा से भारत में कृषि काफी हद तक पानी के लिए भारतीय मानसून पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो कृषक है वो मानसून पर ही निर्भर रहते हैं कि उनको पानी मिलेगा, और अत्यधिक बारिश फसलों को क्या करती है, नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। फिर देश में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ स्थानों में प्रभावित रहता है, कुछ में बाढ़। फिर है भारत में मानसून भारत के लिए एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है। मतलब यहाँ से मानसून आने पर एक विविध जलवायु अपन को का स्वरूप प्रदान करता है, जिस कारण महान क्षेत्रीय रूप में बावजूद इस देश के लोगों के लिए वह एकता का परिचायक होता है। तो ये अपन ने देखा बेटा भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। तो फिर इसकी भारत में मानसूनी वर्षा समय के अनुसार निश्चित नहीं होती, क्योंकि कभी मानसून पवने जल्दी और कभी देर से आती हैं। और नदियों में क्या आता है, अगर मानसून आता है तो नदियों में बाढ़ भी आ जाती हैं, फसलें सूखा नष्ट हो जाता है, और कई बार निश्चित समय के पूर्व समाप्ति भी हो जाती है, जिससे खरीफ की जो फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं या उनका नुकसान हो जाता है। तो ये भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं थी और उनके प्रभाव थी। अब तो बच्चों आपको मैंने आज पार्ट चार भूगोल का जो पार्ट चार है उसके सारे प्रश्न उत्तर बताए बेटा, मानसून के प्रभाव और शीत ऋतु की अवस्था और मानसून कैसे आते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया। आप अब इस पूरे प्रश्न उत्तर को अच्छे से लर्न करोगे, परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये सभी प्रश्न आने के हैं, है ना। तो 2 नंबर 1 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न हैं बेटा ये सभी आपका। लेकिन आप एक प्रश्न पर भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषता है इसको देखोगे बेटा और याद करोगे और लर्न करोगे। धन्यवाद बच्चों।